और दोस्तों, क्रिएटर राजीव में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज हम बताने वाले हैं कि आप लोग यूट्यूब पर चैनलों पर पांच गलतियां क्या क्या करते हैं। जैसे आप फर्स्ट में यूट्यूब चैनल बना दिए और डायरेक्टली जो है सभी अपने दोस्तों के साथ में, या आपके पास में 4-5 ईमेल आईडी होते हैं या 10 आईडी होते हैं, उस सबसे आप सब्सक्राइब कर लेते हो और जितने भी आपके रिश्तेदार हैं सभी से सब्सक्राइब करवाना चालू कर देते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये गलती सबसे बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो फेक आईडी हो गया और यूट्यूब समझ जाता है कि इसको जो है, मतलब आज बनाए हैं कल बनाए हैं और इतना जल्दी जो है इतना सब्सक्राइबर कैसे आ गया, वो तुरंत चेक करता है। वो यूट्यूब उसको वहाँ पे बताने लगता है कि ये फेक आईडी से सब्सक्राइब किया गया है, इसलिए आपके चैनल को आगे बूस्ट नहीं करता यूट्यूब। दूसरा गलती है यूट्यूब पर कॉन्सिस्टेंसी ब्रेक करना। यूट्यूब पर कॉन्सिस्टेंसी ब्रेक करना, तो दोस्तों इसका मतलब आप समझ रहे हो, मतलब लीगल तरीके से अपने आप वीडियो को डाल रहे हो, चैनलों को यूज कर रहे हो, मतलब गलत तरीके से कर रहे हो यूज। ठीक है, आपका जो है, अगर आप सही तरीके से वीडियो बनाते हो, सही तरह से थंबनेल बनाते हो, तो आपका चैनल को बूस्ट करेगा। ठीक है, दूसरा गलती ये हो गया। उसके बाद लीगल वॉच टाइम करवाना। लीगल वॉच टाइम करवाना, लीगल वॉच टाइम करवाना क्या मतलब जान रहे हो दोस्तों? जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं बोलते हैं कि मैं 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटा वॉच टाइम पूरा करवा दूंगा, इतना पैसा लगेगा, 3000 4000 आप जो भी देते हो। वो क्या हुआ, लीगल तरीके से आपका जो है लीगल वॉच टाइम करवाना। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटा वॉच टाइम पूरा करवाने से क्या आपको पैसा मिल जाएगा, मिलने वाला है, वो वीडियो आगे चलने वाला है, यूट्यूब उसको कभी उस वीडियो को बूस्ट करेगा? आपको ऐसा लगता है कि उस वीडियो को बूस्ट करेगा? तो नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि वो गलत तरीके से, लीगल तरीके से वो आपका सिर्फ जो है एक सो है, सो रहता है ना कि मैं ये लिख दिया 1000 सब्सक्राइबर, वही लिखा हुआ हो गया हुआ दोस्तों, ना वो आपका सब्सक्राइबर किसी काम का हुआ, ना आपका कोई वीडियो देखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा गलती हो गया। चौथा गलती आपका है लाइव स्ट्रीम में चैनल का प्रमोट करवाना। तो समझ रहे हो ना, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर आते हैं ना लाइव में, तो बोलता है भाई सुपर चैट मारो, ये इतना इतना मैं दे रहा हूँ, वो नंबर जो पहला नंबर पे आएगा मैं उसका चैनल को प्रमोट करूँगा। समझ रहे हो ना, सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो लोग जो है ना, हम लोग जैसे यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर को बेवकूफ़ बना करके वो लोग पैसे कमाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको सीखना है ना, छोटे यूट्यूबर से आप सीखो जिसका सब्सक्राइबर कम है, क्योंकि वो बेचारा जेन्युइन तरीके से बता रहा है। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगे हो तो आप देखो भाई, नहीं तो जा सकते हो, क्योंकि मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम बताने जा रहे थे लाइव स्ट्रीम में चैनल का प्रमोट करवाना, तो वो पैसे लेते हैं आपका, लाइव में चेक करते हैं। ठीक है, आप लिंक भेजते हो, ये पहला मतलब ये चौथा गलती करते हो, लिंक भेजना सबसे आपका बुरबकी है, क्योंकि वो आपका चैनल को डाउन कर देता है, चैनल को डाउन कर देगा और कभी आपका चैनल आगे बूस्ट नहीं करने देगा। ठीक है, एक जो हैक होते हैं ना, हैक कर देता है दोस्तों, वो आपका चैनल को कभी बूस्ट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि अगर आपका बूस्ट हो गया चैनल, तो आप कभी उन लोग का वीडियो देखोगे नहीं, वीडियो देखोगे कभी उसका नहीं देखोगे, इसलिए नहीं देखोगे क्योंकि आपका तो चैनल बूस्ट कर रहा है, पैसे कमा रहे हो, क्यों देखोगे? इसलिए वो अपना ग्राहक को बनाए रखने के लिए गलत थलत तरीके से हम लोग को, आप लोग को बेवकूफ़ बना करके, चुतिया बना करके अपना पैसा छापते हैं लाखों और करोड़ों में। जो बोलता है ना, लाखों कमाओ, 1000 सब्सक्राइबर पुराओ और 4 घंटे वॉच टाइम पूरा करो और लाखों कमाओ, वो चुतिया चुतिया बनाता है। ठीक है,
चुतिया बना बना के आज इतना कमा लिया, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं पांचवा गलती, वो आई फेक सब्सक्राइब एंड वॉच टाइम, जो मैं अभी समझाया आपका वही 4 घंटा वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर, तो मैं आपको समझा दिया हूँ। ये जो गलतियाँ हैं मत करना दोस्तों, ना कभी ये, अगर कुछ करना है ना दोस्तों अपने दम पे करो, बलबूते पे करो, मेहनत करो। और सबसे पहले आपको थंबनेल बनाने के लिए सीखना होगा। अगर आप थंबनेल बनाने के लिए आप जानते हो, अच्छी तरह से आप चैनल भी बनाते हो दोस्तों, तो वीडियो ज़रूर एक दिन ना एक दिन बूस्ट करेगा। और डेली बाय डेली जो है आपको वीडियो अपलोड करना है अपने चैनल पे। आज नहीं है कि मैं 4 दिन 5 दिन कर दिया हूँ उसके बाद छोड़ दिया, बीच में 1 हफ्ते तक छोड़ दिया, या 4 दिन 5 दिन छोड़ दिया उसके बाद 10 दिन के बाद मतलब एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो वो यूट्यूब बूस्ट नहीं कर पाएगा आपका चैनल को और ना वीडियो को। अगर बूस्ट करवाना है ना दोस्तों, लगातार वीडियो आप डालते जाओ और यूट्यूब को समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं ये बंदा मेहनत करने वाला है, तो उसका ही वीडियो को बूस्ट करता है। अगर आप 20 वीडियो डाल लेते हो, 20 वीडियो डाल लोगे ना दोस्तों, 20 वीडियो आप डाल लोगे अपने चैनल पे, उसके बाद देखना आप जो डालते हो, अगर अच्छे कंटेंट में आप डालते हो, अच्छे से थंबनेल बनाते हो, तो आपके चैनल को और आपके वीडियो को देखिएगा कैसे बूस्ट करता है यूट्यूब। अगर आप थंबनेल और वीडियो थोड़ा अच्छी तरीके से आप बनाओगे तो आपका वीडियो को जरूर बूस्ट करेगा यूट्यूब, ठीक है। 20 वीडियो के बाद में आपका चैनल को बूस्ट करना चालू कर देगा दोस्तों, यकीन मानो। आप देखते रहिएगा और सीखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये 5 गलतियाँ बता दिया दोस्तों, ठीक है। मेरा भी एक चैनल था, मैं भी यही गलती किया था। मैं भी जब बनाया चैनल को तो मैं भी जो है ना अपने दोस्तों के साथ में, जिसका मैं मतलब मोबाइल दिखता था चुपके से, मैं अपना ईमेल आईडी डाल करके उसका फट से क्या कहते हैं अपना यूट्यूब को सर्च करके बस फट से सब्सक्राइब कर देता था। ऐसे करते करते मैं जो है ना कितना 500 पूरा लिया था, लेकिन वीडियो डालने से, मैं वीडियो डालता था कुछ नहीं होता था, वही 2-4 व्यू, क्योंकि जो मैं देखता था ना बस उतना ही व्यू आ रहा था, क्योंकि वो मेरा जेन्युइन सब्सक्राइबर नहीं था, ठीक है। अगर जेन्युइन सब्सक्राइबर पाना है दोस्तों तो आपको जो है ना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, थंबनेल को अच्छा बनाना पड़ेगा, वीडियो को अच्छी तरह से एसईओ करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा यूट्यूब कैसे आपका चैनल को बूस्ट करता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर ऐसे ही वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, भारत माता की।